ये आकाशवाणी है। कोविड 19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं भारतीय जन स्वास्थ्य प्रतिष्ठान के अध्यक्ष डॉ के श्रीनाथ रेड्डी। नमस्कार श्रोताओं, जिस तरह से कोविड के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, इसे लेकर हम सबकी चिंताएं भी बढ़ती जा रही हैं। संकट की इस घड़ी में जरूरत है हमें संयम और धैर्य से काम लेने की। इस समय हमारे परिवार में, आस पड़ोस में, जहां भी किसी को मदद की जरूरत हो, आप सबका हौसला बढ़ाइए और इस घड़ी में एक दूसरे का हाथ मजबूती से थामे रखिए, क्योंकि कुछ जंग हौसले से भी जीती जाती है। इसी उम्मीद का दामन थामे कि जल्द ही सब कुछ ठीक होगा, आइए आज ये संकल्प लें कि हम सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए, एक दूसरे का सहारा बनते हुए इस कोविड की चुनौती का मुकाबला करेंगे और इसे हरा कर दम लेंगे। ऐसे में आपसे अनुरोध है कि आप घबराएं नहीं, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का कड़ाई से पालन करें। साथ ही आपको बता दें कि देश में 1 मई यानी कल से शुरू होने वाले 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन का काम चल रहा है। आपसे अनुरोध है कि सभी एलिजिबल लोग कोविन पोर्टल kowin.gov.in पर या आरोग्य सेतु पर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। श्रोताओं, कोरोना संक्रमण में ज्यादातर मरीजों को अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं पड़ती। आप घर पर ही रहकर होम आइसोलेशन में अपने चिकित्सक से परामर्श करके ठीक हो सकते हैं। आप अगर कोविड पॉजिटिव हैं या संक्रमण से बचना चाहते हैं, तो कोरोना जागरूकता श्रृंखला कार्यक्रम में हमारे विशेषज्ञों द्वारा दिए गए सुझावों पर अमल करें। हमें कोविड को लेकर क्या सावधानी रखनी है, कौन सा टेस्ट कराना है, होम आइसोलेशन में कैसे रहना है, घर पर कौन सी दवाइयां और किट रखनी है, अस्पताल में कब भर्ती होना है, ऑक्सीजन की कब जरूरत पड़नी है, रेमडेसिविर जैसी आवश्यक दवाइयों की जरूरत कब पड़ती है, वैक्सीन कब लगवाना है, ऐसे तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए, साथ ही आपको जागरूक करने के लिए आकाशवाणी पर हम आपके लिए लेकर आते हैं कोरोना जागरूकता पर विशेष कार्यक्रम। और आज के सेडिशन के साथ मैं हूं सिद्धार्थ सिंह। श्रोताओं, कोरोना को लेकर आपके तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमारे इस विशेष कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉ के श्रीनाथ रेड्डी। डॉ रेड्डी का चिकित्सा के क्षेत्र में लंबा अनुभव रहा है। डॉ रेड्डी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली में कार्डियोलॉजी विभाग के प्रमुख भी रह चुके हैं और आप हार्वर्ड विश्वविद्यालय से भी जुड़े हुए हैं। डॉ रेड्डी, आज के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। नमस्कार जी। श्रोताओं, अब कोरोना से संबंधित सवाल डॉक्टर रेड्डी से हमारे टोल फ्री नंबर 1800-1157667 और 0111-233-1444 पर सवाल पूछ सकते हैं। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AINews पर #AskAIR पर अपने सवाल पोस्ट भी कर सकते हैं। डॉक्टर रेड्डी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से कोविड के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और पिछले 24 घंटों के दौरान लगभग 386,000 नए मामले सामने आए हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि बढ़ते संक्रमण के बीच हम कोविड से अपना बचाव कैसे कर सकते हैं? इसके दो ही रास्ते हैं जी। एक तो सावधानी बरतें पूरी तरह, मतलब मास्क पहन के रहें, बाहर कहीं भी जाएं तो मास्क पहन के रहें और भीड़ भाड़ में शामिल ना हो, और दूसरा वैक्सीन लगवाएं और वैक्सीन से जो रक्षा मिलती है उसका आप अनुभव करें जी। और डॉक्टर रेड्डी, इस समय लोग संक्रमण से बचने के लिए डबल मास्क लगा रहे हैं, कितना प्रभावी है डबल मास्क? डबल मास्क काफी अच्छी चीज है जी, क्योंकि खास करके बाहर जाने के वक्त और अगर बंद कमरे में हो तो वहां पे वायरस क्लाउड्स जो है, ये वायरसेस के बादल बन जाते हैं, उससे ज्यादा खतरा होता है। डबल मास्क लगाने से ये खतरा कम हो जाता है जी। और डॉक्टर रेड्डी, जैसे ही किसी व्यक्ति को कोविड के शुरुआती लक्षण आने शुरू होते हैं तो उससे क्या तुरंत जांच करानी चाहिए, या ऐसे में सबसे पहले क्या कुछ करना चाहिए? क्योंकि नॉर्मली शुरुआती लक्षणों से ये नहीं कोई भी व्यक्ति मानता कि उसे कोविड है और तुरंत आइसोलेट नहीं होता, जिसकी वजह से संक्रमण परिवार के एक सदस्य से दूसरे में फैल जाता है। हाँ, हालांकि कोविड के लक्षण दूसरे चीजों में भी नजर आते हैं, जैसे इन्फ्लुएंजा वगैरह। आजकल के हालात जो हैं, जिनमें कोविड के मरीज काफी सारे हो रहे हैं और संख्या रोज रोज बढ़ रहा है,
तो अगर बुखार या सांस का तकलीफ या खांसी, ये तीनों में कोई भी चीज अगर महसूस करें तो जरूर जल्दी टेस्ट कराना उचित होगा। जी, और डॉक्टर रेड्डी, इस समय ज्यादातर कोविड के मरीज होम आइसोलेशन में हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि उन्हें किस तरह की सावधानी रखनी होगी, और होम आइसोलेशन के लिए अगर हम एक किट बनाएं तो उसमें क्या क्या चीजें हम रख सकते हैं जो कि तुरंत हमें अवेलेबल हो जाए। देखिए, साथ में अगर ऑक्सीमीटर हो तो वो बिल्कुल जरूरी है घर में रखना, क्योंकि उससे ऑक्सीजन नापा जाता है, खून में कितना ऑक्सीजन का स्तर है। तो एक तो थर्मामीटर भी रखनी चाहिए जिससे कि बुखार का नाप हो सके। ये दोनों चीजें बिल्कुल आवश्यक हैं, और बाकी जो सावधानी बरतना है वो घर में रहना है, एक अलग कमरे में हो सके तो आइसोलेट कर लेना है, और सभी को, घर वालों को सबको मास्क पहनना चाहिए, और जिस हद तक हो सके वेंटिलेशन बढ़ाना चाहिए, खिड़की और दरवाजे बंद करके खुली हवा का प्रसार हो तो और भी अच्छा है। और ये चीजें हैं कि खूब पानी पिए, और अगर कोई सांस का तकलीफ का हल्का भी महसूस हो तो पेट के बल पर सोएं, पीठ के बल पर नहीं, पेट के बल पर, उससे भी ऑक्सीजन बढ़ जाता है। और बुखार के लिए अगर दवाई जरूरत हो तो वो ले लीजिए, बस इतना ही तो जरूरी है। जी, और डॉक्टर रेड्डी, अगर हम चार्टिंग करने की बात करें कि किसी मरीज को अगर फीवर कितनी बार, बुखार है तो कितनी बार नापना होगा, ऑक्सीजन लेवल कितनी बार चेक करना होगा, उसकी चार्टिंग हम कैसे कर सकते हैं? देखिए, कम से कम दो बार दिन में तो करना जरूरी है, मगर अगर सांस का तकलीफ महसूस होने लगा तो तभी भी ऑक्सीजन का नाप लेना चाहिए। तो ये जरूरी है कि उसके ऊपर ध्यान रखना बिल्कुल आवश्यक है, मगर अगर सांस खुल के आ रहा है और खांसी का तकलीफ कोई खास नहीं है तो दिन में दो बार से ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। जी, और डॉक्टर रेड्डी, कोविड के वो मरीज जो आइसोलेशन में हैं, उनकी उनका डाइट प्लान किस तरह का होना चाहिए, किस तरह की क्या तरल चीजें, लिक्विड चीजें ज्यादा लेनी चाहिए, किस तरह का खान पान होना चाहिए? देखिए, एक तो खूब पानी होनी चाहिए, पानी पीनी चाहिए, मतलब फ्लूइड्स जो कहते हैं, पानी, जूस, नारियल पानी, ये सारी चीजें जो हाइड्रेशन मेंटेन करते हैं, मतलब हमारे शरीर में पानी का स्तर मेंटेन करते हैं, उसको तो लेना चाहिए। और पौष्टिक आहार में ये फल, सब्जी, नट्स वगैरह ज्यादा लेनी चाहिए जिससे कि हमारे इम्यूनिटी में भी ताकत होती है, ताकत बढ़ती है। जी, और डॉक्टर रेड्डी, क्या हाई प्रोटीन डाइट भी रिकवरी में मदद करती है? बिल्कुल, हाई प्रोटीन डाइट भी बिल्कुल रिकवरी में इसलिए मदद करती है कि हमारे शरीर में इम्यूनिटी के जरिए जो एंटीबॉडीज बनते हैं जी, तो उसके लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए दाल वगैरह, दही वगैरह, पल्सेस वगैरह जो कहते हैं, और दही, ये सारी चीजें तो लेनी चाहिए। दही का और एक भी फायदा है, उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं, माइक्रोबायोम कहते हैं जी, उससे भी हमारा इम्यूनिटी बढ़ता है। जी, और डॉक्टर रेड्डी, इस समय अस्पतालों में भीड़ है और ऑक्सीजन और बेड्स को लेकर थोड़ी कठिनाई भी हो रही है, ऐसे में हमें घर पे रहकर कब ये डिसाइड करना होता है कि हमारा जो ऑक्सीजन लेवल है कितना हो कि अब हम अस्पताल जाने की तैयारी करें, अदरवाइज हम घर पर सेफ हैं? अगर ऑक्सीजन का लेवल 94% हो, मतलब 94% हो या उससे बढ़कर हो, तो तब घबराने वाली बात नहीं है। उससे नीचे गिरने लगता है तो तब घबराने वाली बात है, मगर अगर वो गिरने लगता है तो पहला पेट के बल पे सोए, जो प्रोनिंग कहते हैं जी, अगर उससे अगर ठीक हो जाता है तो अच्छी बात है, अगर उससे भी कोई फायदा नहीं होता तो तब हॉस्पिटल जाना बेहतर है। डॉक्टर रेड्डी, इसमें स्टीम इनहेलेशन और नेबुलाइजेशन वो कितने सहायक होते हैं हमारे ऑक्सीजन लेवल को इम्प्रूव करने में? नहीं, उससे फायदा है जी, गर्म मैंने भाप लेने का और गर्म पानी पीने का थोड़ा सा फायदा होता है, गले में और फेफड़ों में थोड़ा सा सफाई हो जाती है, तो उसको करना दिन में ये दो या तीन बार लेना बेहतर है। और गर्म पानी भी अगर पी सकते हैं, मतलब रोजमर्रा जो हम पानी लेते हैं वो गर्म पानी पी लें तो वो भी अच्छी बात है। जी, और डॉक्टर रेड्डी,
ऑक्सीजन की बहुत बात चल रही है, जो लोग घर पर ऑक्सीजन ले रहे हैं उन्हें किस तरह की सावधानी रखनी चाहिए और पेशेंट की मॉनिटरिंग में, सेफ्टी में किस किन बातों का ध्यान रखना होगा? देखिए, ऐसा है, ऑक्सीजन सिलेंडर ऐसा रखना चाहिए कि उससे कोई लीकेज ना हो, ये बिल्कुल आवश्यक है, क्योंकि ऑक्सीजन में आग लग सकता है। इसीलिए हम ऑक्सीजन सिलेंडर को भी कोई आग या गर्म चीज से कम 3 मीटर दूर रखना चाहिए। कोई गैस स्टव हो या कैंडल हो, मोमबत्ती हो, जो कुछ भी है, तो उससे दूर रखनी चाहिए कम से कम 3 मीटर। और उसके पास कोई मैचेस नहीं जलाना चाहिए और सिगरेट तो कतई नहीं पीना चाहिए। जी, और इसके प्रेशर की जो हम मॉनिटरिंग करते हैं उसमें किस तरीके से करना चाहिए? मॉनिटरिंग देखिए, अगर कोई खास बीमारी के लक्षण नहीं है, हल्का सा बुखार है, खांसी भी कोई खास नहीं है, हल्का हल्का है, सांस में कोई तकलीफ नहीं है, तो बस टेम्परेचर दिन में 2 बार नाप लें और ऑक्सीमेट्री भी 2 बार देख लें, और बस बाकी जो चीज है वो पौष्टिक आहार देना और रेस्ट लेना और खूब पानी पीना, फल और सब्जी अच्छी तरह से लेना, ये सारी चीजें तो ही है जी। मगर अगर बीमारी के लक्षण में कुछ बदलाव आ जाता है, सांस तेज चलने लगता है, ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होने लगता है, तो तब जरूर डॉक्टर से संपर्क करके आवश्यकता हो तो हॉस्पिटल जाना चाहिए। डॉक्टर रेड्डी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, कई बार अचानक से ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल जब कम होने लगता है, तो ऐसे में जब हम घर से पेशेंट को अस्पताल तक ले जाते हैं, तो रास्ते में हम ऐसी कौन सी प्रक्रिया करते रहें पेशेंट के साथ कि उनका, हम जब तक उसको हॉस्पिटल में अटेंशन नहीं मिल जाता, उनको भर्ती नहीं कर लिया जाता, तब तक मरीज के जो परिजन हैं वो क्या कुछ कर सकते हैं ताकि वो जो गोल्डन पीरियड है वो उसको मेंटेन कर सकें? देखिए, जितना जल्दी आप हॉस्पिटल पहुंचा सकें उतना बेहतर है। देखिए, कह सकते हैं कि पेट के बल पर सुला दीजिए, गाड़ी के सीट के ऊपर भी, फिर भी वो हर गाड़ी में तो मुमकिन होता नहीं है, जिस हद तक होता है उतना उस हद तक करनी चाहिए। मगर अगर ऑक्सीजन सिलेंडर आपके घर में रखा हुआ है उसको साथ ले जाइए, और गाड़ी में भी ऑक्सीजन का उनको फायदा मिलना चाहिए, ताकि जब तक वो अस्पताल पहुंचे कम से कम उसका सुविधा उनको होनी चाहिए। जी, और डॉक्टर रेड्डी, चेस्ट कंजेशन एक बड़ी आम प्रॉब्लम आ रही है कोविड पेशेंट के साथ, तो जो लोग होम आइसोलेशन में हैं वो क्या कुछ उपाय कर सकते हैं जिससे उनको आराम मिल सके? देखिए, कुछ दवाइयां हैं अभी, वो जो अभी होम आइसोलेशन के लिए जो गाइडलाइंस बना रहे हैं उसमें भी शामिल है। एक है ब्यूमेसनाइड है जी। वो उसको कहते हैं एक स्टीरॉयड इनहेलर है, तो ये ब्यूमेसनाइड अगर वो इनहेलेशन 2 पफ सवेरे 2 पफ शाम को ले लें तो उससे भी फायदा मिलता है, मगर वो तुरंत नहीं लेनी चाहिए। अगर तकलीफ 5 दिन के बाद में शुरू हो जाता है तो तब लेनी चाहिए, वो भी डॉक्टर के गाइडेंस के साथ जी। तो कुछ ऐसे दवाइयां हैं जो घर में भी ले सकते हैं, मगर आमतौर से होम आइसोलेशन में कोई खास दवाई की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर खून में ऑक्सीजन का स्तर कम हो जाता है तो तब तो जरूर हॉस्पिटल जाना चाहिए जी। और डॉक्टर रेड्डी, इसमें बहुत सारे लोग लंग्स की जांच के लिए सीटी स्कैन करा रहे हैं, इसकी वास्तव में आवश्यकता कब पड़ती है कि हमें सीटी स्कैन के लिए जाना चाहिए? देखिए, ये सीटी स्कैन के लिए तभी जाना चाहिए जब हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ता है और ऑक्सीजन की कमी की वजह से हॉस्पिटल जाना पड़ता है। ये जरूरी नहीं है कि क्योंकि आपका आरटीपीसीआर टेस्ट नेगेटिव आया और आप जरूर कंफर्मेशन के लिए सीटी कराने चले जाएं, क्योंकि आरटीपीसीआर टेस्ट हर व्यक्ति में पॉजिटिव नहीं निकलता और हर समय में नहीं निकलता। आरटीपीसीआर बीमारी के शुरुआत में और बीमारी के काफी दिन गुजरने के बाद वो नेगेटिव आ सकता है, कोविड का इन्फेक्शन होने के बावजूद। वो एक्टिव इन्फेक्शन के टाइम पे ही वो जो वायरस तेजी से बढ़ता हुआ वायरस जिसको हम कहते हैं वो रेप्लिकेटिंग वायरस जी, वो रेप्लिकेटिंग वायरस
तभी नजर आता है, तो इसलिए जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति में जिसमें कोविड का इन्फेक्शन हुआ है उनमें टेस्ट पॉजिटिव निकले। अगर अगर बीमारी के लक्षण और कोई ज्यादा ना हो, कोई तीव्रता से नजर नहीं आए, मतलब कोई सांस का तकलीफ खास ना हो और ऑक्सीजन का स्तर ठीक ही रहा है 94 या उससे ज्यादा रहा है, तो तब हॉस्पिटल जाके सीटी स्कैन कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। जी, अगर सांस का तकलीफ होता है, ऑक्सीजन का स्तर कम हो जाता है, हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो पहले डॉक्टर तो छाती का एक्सरे करेंगे, अगर उसमें कुछ साफ नजर आता है तो फिर जरूरी नहीं है कि सीटी स्कैन कराएं। अगर एक्सरे से ही पता चल जाता है कि यह वायरल निमोनिया के लक्षण एक्सरे में है या नहीं, तो तब फिर सीटी स्कैन की आवश्यकता नहीं पड़ती। जी, अगर उसमें भी एक्सरे में भी साफ ठीक नजर नहीं आया तो तब सीटी स्कैन कराते हैं। डॉक्टर रेड्डी, अब कल यानी 1 मई से 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का टीकाकरण किया जाएगा, आप देश के युवाओं से क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये युवा लोग जो हैं उनको बिल्कुल कराना चाहिए, वैक्सीन लगवाना चाहिए, क्योंकि ये 18 साल के ऊपर जो वैक्सीन लगाने का निर्णय लिया गया है, इसलिए लिया गया है कि एक तो हो सकता है कि कम उम्र वालों में भी ये वायरस अब कुछ बीमारी कुछ तीव्रता से कुछ लोगों में पैदा करती है, तो उसके बचाव के लिए भी ये वैक्सीन लगाना जरूरी है। जी। और दूसरा मुख्य कारण ये है क्योंकि युवा लोग ज्यादातर काम पे जाते हैं या घूमने जाते हैं, और उनको अगर वायरस का संक्रमण हुआ तो घर आके दूसरों को भी लगा सकते हैं, तो उनको भी इम्यूनिटी बढ़ाना इसलिए जरूरी है कि ट्रांसमिशन उनके जरिए होने का खतरा जो है वो भी कम हो जाए। तो इसलिए अपने बचाव के लिए और दूसरों के बचाव के लिए भी युवा लोग वैक्सीनेशन लगवाना बिल्कुल आवश्यक है। और डॉक्टर रेड्डी, इसमें पूरे देश से श्रोता हमें फोन कर रहे हैं और आपसे सवाल करना चाहते हैं। सबसे पहले बड़ौद से महेश शर्मा जी कार्यक्रम में जुड़ गए हैं, उनका सवाल लेते हैं आज के हमारे फर्स्ट कॉलर। महेश जी नमस्कार। नमस्कार जी, आपको प्यार भरा नमस्कार जी, बहुत बहुत नमस्कार प्रोग्राम पेश करने के लिए। जी महेश जी धन्यवाद, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? मैं जानना चाह रहा हूँ जी, दोनों डोज लेने के बाद हमें क्या क्या सावधानियाँ रखनी होंगी और ये डोज हमें कब तक सुरक्षित रखेंगी? जी डॉक्टर रेड्डी, अगर दोनों डोज ले लेते हैं इसके बाद प्रिकॉशंस क्या होंगी और कितने दिनों तक के लिए ये डोज इफेक्टिव होंगी? देखिए, एक तो दूसरे डोज लगाने के 14 दिन के बाद में अच्छा इम्यूनिटी बनने का अभी संकेत मिलेंगे शरीर में, और उसका सबूत भी है रिसर्च में। तो आप दूसरे डोज लगाने के बाद 14 दिन के बाद थोड़ा सा निश्चिंत रह सकते हैं कि शरीर में इम्यूनिटी बना हुआ है, पर फिर भी सावधानी बरतना जरूरी है क्योंकि वैक्सीन का प्रभाव जो होता है गंभीर बीमारी से बचाने का, मगर इन्फेक्शन थोड़ा बहुत तो हो सकता है वैक्सीन लगाने के बाद भी, इसीलिए उससे भी बचना चाहे तो आपको मास्क पहनना होगा बाहर जाते वक्त, ये बिल्कुल आवश्यक है। जी, और डॉक्टर रेड्डी अब हम रुख करते हैं महाराष्ट्र का, जहां से बसंत कोरे जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। बसंत जी नमस्कार। हेलो। हेलो जी बसंत जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी नमस्कार सर। जी बताएं अपना सवाल पूछिए जल्दी से। जी बसंत जी। जी मैडम, कोरोना का चल रहा है ना? जी हाँ सर, जो वैक्सीनेशन करते हैं उसके जो क्या, कोई कोई बोल रहे हैं कि वैक्सीन के लिए 18 वर्ष के नीचे के लोगों के लिए वैक्सीन लगाने के बाद उसको बच्चे नहीं होते बोल रहे हैं। नहीं, ये बिल्कुल गलत खबर है, गुजुर की बात है।
इसके ऊपर कोई विश्वास मत करिए। बिल्कुल डॉक्टर रेड्डी, ये व्हाट्सएप विश्वविद्यालय की जो चीजें आ रही हैं इस समय फॉरवर्डेड मैसेजेस होते हैं, इसीलिए इस तरह के कार्यक्रम हम करते हैं जिसमें आप जैसे एक्सपर्ट आते हैं, लोगों के सवालों का सही जवाब देते हैं। और जो श्रोता हमसे अभी भी जुड़े हैं उन्हें बता दें कि कोरोना जागरूकता श्रृंखला के आज के इस विशेष कार्यक्रम में श्रोताओं के सवालों का जवाब दे रहे हैं पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी। आप डॉक्टर रेड्डी से हमारे स्टूडियो के टोल फ्री नंबर 1800115767 पर कोरोना से जुड़े सवाल पूछ सकते हैं। और इस बीच रुख करेंगे अमृतसर का और जानेंगे प्रेम सागर जी से उनका क्या सवाल है। हेलो प्रेम जी, नमस्कार। जी प्रेम जी नमस्कार, स्वागत है आपका, बताइए क्या जानना चाहते हैं। जी बताइए। नमस्कार जी। नमस्कार, प्रेम सागर बोल रहा हूँ अमृतसर से। जी बताइए क्या जानना चाहते हैं आप। आवाज थोड़ी कम आ रही है। जी बिल्कुल, अपना सवाल पूछिए, हमें आपकी आवाज बराबर आ रही है। सिद्धार्थ जी, बात ऐसे है जी, डबल मास्क का चर्चा हो रहा है पिछले कुछ दिनों से। जी तो मैं तो मास्क पहनता नहीं, मैं जो मेरे पास तो बड़ा पन्ना होता है, बहुत बड़ा सा। जी 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 जी, तो पूरी तरह से लपेट लेता हूँ मैं। जी बिल्कुल, मुंह और नाक पर, उसमें कोई चांस तो नहीं रहता अंदर हवा जाने का। जी बिल्कुल, डॉक्टर से पूछना चाहूंगा वो कितना मुफीद है। जी डॉक्टर रेड्डी, मास्क की जगह ये पटका लपेटते हैं जिसकी वजह से वायरस इन्फेक्शन ना हो, तो ये कितना सुरक्षित है? देखिए, दो चीजों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो अगर आप खांसे तो उससे जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं वो और किसी व्यक्ति को पहुंचना नहीं चाहिए, और दूसरा व्यक्ति अगर खांसे तो उनसे जो वायरस निकलता है वो आपके मास्क के अंदर घुसना नहीं चाहिए। इसीलिए जो कुछ भी आप पहनते हैं थोड़ा सा मोटा कपड़ा वाला पहन के रखिएगा। जी, और अगला सवाल लेते हैं भिवाणी से सतीश कुमार जी का। हेलो सतीश जी। नमस्कार जी। जी बहुत बहुत नमस्कार, बताइए क्या जानना चाहते हैं। डॉक्टर साहब को भी नमस्कार सर। जी सर, मेरी आई साइड कमजोर है, क्या मैं वैक्सीन ले सकता हूँ? बिल्कुल ले सकते हैं जी, उसमें कोई शक की बात नहीं है जी। आई साइड कमजोर होने के बाद भी आप वैक्सीन ले सकते हैं, और कल बहुत सारे युवा भी वैक्सीनेशन सेंटर्स पे पहुंचेंगे। क्या कुछ हमें सावधानी रखनी चाहिए संक्रमण के इस समय, क्योंकि वैक्सीनेशन सेंटर्स पे भी थोड़ी भीड़ हो रही है, तो हम क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं डॉक्टर रेड्डी? तो वहां पे भी ये देखना जरूरी है कि भीड़ भाड़ में शामिल ना हो, वहां पे भी जो दो गज का दूरी जो कहते हैं उसको रखना चाहिए, हो सके तो डबल मास्क पहन के जाना चाहिए ताकि वहां के भीड़ में वायरस का संक्रमण ना हो। और सबसे बेहतर है कि जो 45 इयर्स के ऊपर वाले जो हैं, जिनको दूसरा डोज लगने वाला है अब जी, उनका लाइन, और ये जो 18 साल से बढ़ के मगर 44 इयर्स तक का जिनका उम्र है, तो उनको जो पहला डोज लगने वाला है उनका लाइन थोड़ा सा अलग रखें ताकि उनसे संक्रमण दूसरे लोगों को ना हो। मतलब थोड़ा सा ओल्डर एज ग्रुप जो है जी, उसके बचाव के लिए जो सेकंड डोज के लिए आ रहे हैं जी, फर्स्ट डोज वालों को थोड़ा सा दूसरा लाइन में रखें, वो वैक्सीनेशन सेंटर में वो सावधानी बरतना चाहिए। और दिल्ली से अब्दुल मुख्तियार जी से जुड़ते हैं, जानते हैं क्या जानना चाहते हैं। अब्दुल जी नमस्कार। जी अब्दुल जी बताइए क्या सवाल है आपका। ये सर मैं जानना चाह रहा हूँ सर, ये जो जी ये सर, इसके हमें क्या क्या है, इससे हमें खाना चाहिए? जी अब्दुल जी आपकी आवाज थोड़ी कट रही है, आप सवाल दोबारा पूछिए। ये सर मैं जानना चाह रहा हूँ, ये कोरोना जी करना चाहिए? जी डॉक्टर रेड्डी, इनकी आवाज साफ नहीं है, शायद सवाल ठीक से समझ में नहीं आ रहा है। आपसे ये जानना चाहेंगे इस समय जो लोग हॉस्पिटलाइज हैं या जो कोविड के पेशेंट घर पे हैं, उन लोगों के बीच में रेमडेसिविर को लेकर बहुत सारे सवाल हैं तो किस तरह के मरीजों में रेमडेसिविर की जरूरत पड़ती है? जी नहीं, घर में तो बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए रेमडेसिविर को, अस्पताल में भी
कुछ ही लोगों को शायद फायदा होगा जी। एक सबसे बड़ा WHO के जरिए जो ट्रायल हुआ है उसको कहते हैं सॉलिडारिटी ट्रायल, उसमें ये सबूत मिला है कि रेमडेसिविर का कोई प्रभाव नहीं है जान बचाने में। कुछ अमेरिका में छोटा सा ट्रायल जो हुआ जी, उससे लगा था कि शायद बीमारी के जो कितने दिन होते हैं वो ड्यूरेशन ऑफ द इलनेस जो कहते हैं हम, वो शायद कुछ घट जाएगा जी। और उसका भी पूरी तरह सबूत नहीं है। ये WHO वाला ट्रायल जो है, जो काफी बड़ा ट्रायल है, विश्व भर में किया गया है, सबसे बड़ा ट्रायल है रेमडेसिविर का, वो फायदा भी नजर नहीं आया। इसीलिए हालांकि कुछ डॉक्टर लोग हॉस्पिटल में रेमडेसिविर का इस्तेमाल करते हैं जी, वो एक विश्वास के आधार पर, कोई सबूत के आधार पर नहीं, और घर पे कतई नहीं लेना चाहिए क्योंकि उसकी एक तो फायदा नहीं है और दूसरा थोड़ा सा साइड इफेक्ट्स और उसका खतरा भी हो सकता है जी। और इस बीच दिल्ली में चांदनी चौक से जयकिशन जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। जयकिशन जी नमस्कार। जी नमस्कार। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो घर में किसी को जो खर्राटे आते हैं और वो CPAP मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या अगर उसको कोरोना में ऑक्सीजन लेवल कम होता है तो क्या ये इस मशीन का उपयोग कर सकते हैं, इससे ऑक्सीजन बनने की नहीं बनने की, नंबर एक। नंबर दूसरा, जिस आदमी को कोरोना में होम आइसोलेशन में है जी, और उसके पास ऑक्सीजन भी है और वो उसकी वाइफ या उसका बच्चा जो है, क्या उस कोरोना पेशेंट को ऑक्सीजन दे सकता है, और दे सकता है तो क्या उसे कोविड होने का खतरा है या नहीं, किस प्रकार से उसको ऑक्सीजन दे पाती है, तो क्वेश्चन है जी। डॉक्टर रेड्डी देखिए, आप जो मशीन कह रहे हैं उसका इस्तेमाल करिए, क्योंकि अगर वो आमतौर से आपको मदद करता है ऑक्सीजन लेवल मेंटेन करने में और सांस साफ रखने में, तो वो कोविड के समय भी मदद करेगा। मगर वो जरूरी नहीं है कि अगर फेफड़े में बीमारी काफी ज्यादा हो तो तब पूरी तरह अच्छा ऑक्सीजन पहुंचाएगा, अगर हल्का सा हो तो फिर जरूर उससे फायदा होगा। अगर ऑक्सीजन का स्तर गिरने लगा वो मशीन लगाने के बाद भी, तो तब तो हॉस्पिटल जाना चाहिए। और दूसरा, जो घर वाले जो आपका मदद करते हैं ये मशीन लगाने में या ऑक्सीजन देने में, अगर वो बराबर मास्क पहन के रखें, खास करके अगर डबल मास्क कर सकें और बार बार हाथ साफ कर लें, तो आपको मदद करने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए जी। और अब समय इजाजत नहीं दे रहा कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। जो श्रोता हमें आज कॉल नहीं कर पाए हैं या जिनके सवालों के जवाब हम आज नहीं दे पाए हैं, उन्हें कल के कार्यक्रम में हम जरूर उनके जवाब देंगे। चलते चलते डॉक्टर रेड्डी, आप कोरोना के बढ़ते संक्रमण से बचने के लिए आकाशवाणी के श्रोताओं को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? देखिए, ये बिल्कुल आवश्यक है कि हम मास्क पहन के चलें बाहर, अगर भीड़भाड़ में शामिल हो तो और खतरा बढ़ेगा, तो भीड़भाड़ से दूर रहें, और बंद कमरे में अगर रहें तो डबल मास्क पहनना बिल्कुल आवश्यक है, मगर जिस हद तक हो उस हद तक हम खुले हवा में ही रहें, और जितना वेंटिलेशन हो खिड़की और दरवाजे खोल के खुला हवा हमारे घर के अंदर आए या दफ्तर के अंदर आए वो सबसे बेहतर है, और भीड़भाड़ से बिल्कुल दूर रहिएगा जी। डॉक्टर रेड्डी, आप कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े और आपने श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। शुक्रिया जी। श्रोताओं, चलते चलते आपसे यही कहेंगे कि डॉक्टर रेड्डी ने आपको कोरोना से बचने के लिए जो भी सावधानियां बताई हैं आप उनका पालन कीजिए। कोरोना का संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए आप कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें। और चलते चलते यही कहेंगे कि मंजिले कदम चूमेंगी रास्ता खुद बन जाएगा, हौसला कर तू बुलंद तो आसमा भी झुक जाएगा। आप स्वस्थ और खुशहाल रहें, इसी कामना के साथ दीजिए मुझे अनुमति। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे भारतीय जन स्वास्थ्य प्रतिष्ठान के अध्यक्ष डॉ के श्रीनाथ रेड्डी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया
आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।